रचना। एही तरह से शुरुआत में परमेश्वर सब कुछ बनैलन। उ छह दिन में दुनिया के औरी जेवन कुछ एमे बाटे उ सब कुछ बनैले। परमेश्वर द्वारा पृथ्वी के बनना के बाद उ अन्हार औरी खाली रहे, काहे से कि अभी तकले परमेश्वर ओमे का कौनो भी चीज के ना बनैले रहले। बाकी परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपरा मंडरात रहे। फिर परमेश्वर कहले, उजियार हो जा, औरी उजियार हो गईल। परमेश्वर देखले कि उजियार अच्छा बाटे औरी एकरा के दिन कहले, औरी उ एकरा के अन्हार से अलग कैले जेकरा के उ रात कहले। परमेश्वर दुनिया के बनैला से पहिले दिन में उजियार के बनैले। दुनिया के बनला के दूसरी दिन परमेश्वर कहले, पानी के ऊपरा एगो अंतर हो जा, औरी एगो अंतर हो गईल। परमेश्वर ओ अंतर के आकाश कहले। तीसरा दिन परमेश्वर कहले, पानी एगो जगह में इकट्ठा हो जा, औरी सूखल जमीन दिखाई दे। उ सूखल जमीन के पृथ्वी कहले, औरी पानी के समुंदर कहले। परमेश्वर देखले कि जेवन हम बनैले बानी उ अच्छा बाटे। फिर परमेश्वर कहले, पृथ्वी हर रेकान के पेड़ औरी पौधा उगावे, औरी ऐसा ही कह हो गईल। परमेश्वर देखले कि जेवन हम बनैले बानी उ अच्छा बाटे। दुनिया के बनला के चौथा दिन परमेश्वर कहले, आकाश में ज्योति हो जा, औरी सूरज चांद औरी तराई हो गईल। परमेश्वर ई सब के पृथ्वी पर उजियार देवे खातिर औरी दिन औरी रात मौसम औरी बारिश में भेज जाने खातिर बनैले। परमेश्वर देखले कि जेवन हम बनैले बाणी उ अच्छा बाटे। पांचवा दिने परमेश्वर कहले, जिंदा प्राणी पानी के भरे औरी आकाश में पक्षी उड़े। यही तरह से उ पानी में पौरे वाला सब जंतुअन के औरी सब पक्षियन के बनैले। परमेश्वर देखले कि ई अच्छा बा और ई सब के आशीर्वाद दिहले। दुनिया के बनला के छठवा दिने परमेश्वर कहले, जमीन पर रहे वाला हर रेकान के जानवर हो जा, औरी परमेश्वर की कहला के अनुसार वो सही हो गईल। कुछ जानवर पालतू रहले, कुछ जमीन पर रेंगे वाला औरी कुछ जंगली जानवर रहले, औरी परमेश्वर देखले कि ई अच्छा बा। फिर परमेश्वर कहले, आवा हमनी का आदमी के अपने जैसन औरी अपने बराबर में बनाई जा, उ पृथ्वी पर औरी सब जानवरन पर अधिकार रखी हैं। तब परमेश्वर माटी के लेके उसे आदमी के बनैले औरी ओमे जीवन का सांस के फूक दिहले। ई आदमी का नाम आदम रहे। परमेश्वर आदम के रहे खातिर एगो बड़ियार बगीचा के बनैले औरी ओकर देखभाल करे खातिर आदम के उहां रख दिहले। ओ बगीचा के बीच में परमेश्वर दूगो अलग सा पेड़ लगैले, जीवन का पेड़ औरी भलाई औरी बुराई के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर आदम से कहले कि तू ओ बगीचा के जीवन का पेड़ औरी भलाई औरी बुराई का ज्ञान के पेड़ के छोड़ के कौनो भी पेड़ का फल खा सकत बाड़ा। अगर तू ओ पेड़ का फल खाईबा तो मर जाइबा। फिर परमेश्वर कहले, आदमी के अकेले रहल ठीक नहीं खे, लेकिन कौनो भी जानवर आदम के साथी ना बन पावले। ए खातिर परमेश्वर
आदम के गहरी नींद में डाल दिहले। फिर परमेश्वर आदम का एगो पसली लेके ओसे एगो औरत के बनैले औरी ओके आदम के पास लेके गईले। जब आदम ओके देखले त उ कहले, कम से कम त ई हमारी जैसन बाटे, ई औरत कहलाई, काहे से कि ई आदमी में से बनावल बाटे। यही कारण से आदमी अपनी माई बाबू के छोड़ देले औरी अपनी औरत के साथ हो जाले। परमेश्वर आदमी औरी औरत के अपनी जैसन बनैले, उ लोगन के आशीर्वाद दिहले औरी उ लोगन से कहले, बहुत ढेर लइकन औरी पोता पर पोता के पैदा करा जा औरी पृथ्वी के भर दा जा। औरी परमेश्वर देखले कि जेवन सब कुछ हम बनैले रहनी हा उ बहुत अच्छा बा औरी उ लोगन से बहुत खुश भइले। ई सब कुछ दुनिया के बनला के छठवा दिने भइल। जब सातवा दिन आइल त जीवन कुछ परमेश्वर करत रहले, उ सब काम के खत्म कर दिहले। उ सातवा दिन के आशीर्वाद दिहले औरी ओके पवित्र ठहरावले, काहे से कि ओही दिने सब चीज के बना के खत्म कईले। ये तरह से परमेश्वर दुनिया के औरी जीवन कुछ एमे बाटे उ सब बनैले। उत्पत्ति अध्याय 1 से बाइबिल का एगो खीसा।